भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की बॉर्डर गावस्कर सीरीज का आखिरी और निर्णायक टेस्ट मैच ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला जा रहा है। मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर 274 रन बनाए, लेकिन बीच मैच में एक ऐसा वाक्या भी आया जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया और टीम के साथ ही खिलाड़ियों ने पंत का खूब मजाक उड़ाया। दरअसल 83.3 ओवर में ऐसा हुआ कि टीम इंडिया के कप्तान अजिंक्य रहाणे और उपकप्तान रोहित शर्मा विकेट कीपर ऋषभ पंत पर हंस पड़े। टी नटराजन की गेंद पर पंत ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम के खिलाफ कॉट बिहाइंड की जबरदस्त अपील की। पंत के अलावा किसी और ने ये अपील नहीं की। फील्ड अंपायर ने भी पंत की अपील पर ध्यान नहीं दिया और ना ही पेन अपने जगह से टस के मस हुए। इसके बाद पंत रहाणे को रिव्यू लेने के लिए कहने लगे। रहाणे ने हंसकर उन्हें मना किया। इसके बाद पंत उपकप्तान रोहित शर्मा से भी यही कहने लगे, गेंद पेन के बल्ले का किनारा लेकर उनके पास आई है। रोहित भी उन पर हंसने लगे। रिप्ले में भी दिख रहा था कि गेंद पेन के बल्ले से कुछ दूर से ही निकली। पंत ने कप्तान और उपकप्तान को रिव्यू के लिए मनाने की कोशिश तो की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इसके बाद ट्विटर पर लोग उन्हें जबरदस्त तरीके से ट्रॉल करते नजर आए। रोहित शर्मा इस दौरान पंत पर काफी जोर से हंसते नजर आए। आईसीसी ने ये वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल अकाउंट से भी शेयर किया और लोग इस वीडियो पर पंत को जमकर ट्रॉल कर रहे हैं। मैच की बात करें तो पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की ओर से मार्नस लाबुशेन ने 108 रनों की पारी खेली। उनके अलावा मैथ्यू वेड ने 45 रनों का योगदान दिया। कैमरॉन ग्रीन 28 और पैन 38 रन बनाकर अभी क्रीज पर डटे हैं। देखना होगा भारतीय टीम दूसरे दिन कैसा खेल दिखाती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।